दोस्तों, हमारे एक सब्सक्राइबर ने आज हमें अपने घर इनवाइट किया और कहा कि हमारे लिए एक बहुत बड़ा सरप्राइज इंतजार कर रहा है। पर जैसे ही उसने अपने घर का दरवाजा खोला, हम सब हक्के बक्के रह गए। जो आज हमने देखा वो हमें पूरी जिंदगी याद रहने वाली है। जो लोग भी ये सोचते हैं कि टैलेंटेड बच्चे सिर्फ मेट्रो सिटीज के बड़े बड़े लग्जरी अपार्टमेंट्स में ही पाए जाते हैं, आज ये वीडियो उनकी सारी ये गलतफहमी दूर कर देगी। हाय, मेरा नाम है सौम्य, मैं राउरकेला से बिलोंग करता हूँ एंड मेरा एज 13 ईयर है। आपसे रिक्वेस्ट रहेगा पूरा वीडियो एंड तक देखिए, क्योंकि एंड में आप खुद इस बच्चे की तारीफ किए बिना रह नहीं पाओगे। मैं जब छोटा था तो तब मुझे आर्टिस्ट का करियर इसलिए अच्छा लगा क्योंकि उस समय में एक इंटरेस्ट आ गया था कि नहीं, आर्ट को तो मुझे करना ही है। आर्ट एक ऐसा चीज है कि एक बार करो तो वो मन लग ही जाता है। मतलब काफी सारे पेरेंट्स होते हैं, मैंने देखे हैं कि आर्ट को लेकर उनके माइंड में चलता है कि आर्ट क्या है, ये तो कुछ भी नहीं है। आर्ट का वैल्यू वो जानना बहुत मुश्किल है। सो हमारे फैमिली में बहुत लोगों ने सपोर्ट किया मुझे। अभी भी मैं मतलब सोशल मीडिया में मैं सब कुछ मतलब अपना करता हूँ, मतलब पोस्ट करता हूँ, रील करता हूँ, तो उसमें भी बहुत मतलब सपोर्ट करते हैं। आर्ट के साथ और स्टडी को करना वो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होता है, फिर भी मैं मैनेज कर रहा हूँ क्योंकि वो मेरा एक पैशन बन चुका है। सब कुछ सही चल रहा है, बट फिर भी सौम्या का मन थोड़ा उदास सा लग रहा था। जब हमने पूछा तो पता चला 2 साल पहले सौम्या के सर से माँ का साया छूट गया था। जिनकी कमी आज भी सौम्या को खलती है। आज अगर मेरे साथ अपनी मम्मी होती तो वो आज ये सब देखकर बहुत ज्यादा खुश रही। फिर भी उनका आशीर्वाद मेरे ऊपर है, उनके वजह से ही आज मैं इतना कर पाया हूँ। पर एक बात तो पक्की है, सौम्या की मम्मी जिस भी दुनिया में होंगी, आज अपने बेटे को मेहनत करते देख प्राउड फील कर रही होंगी। बहुत सारे सेलिब्रिटीज के मैंने स्केचेस और रंगोली बनाया है और उनमें से बादशाह जी ने भी रखा था स्टोरी पे और श्रद्धा कपूर ने भी बहुत मतलब रिएक्ट भी किया था और उसके साथ स्टोरी भी डाला था, तो उसके लिए मतलब बहुत ज़्यादा खुशी लगा मुझे कि नहीं यार, इंस्टाग्राम में भी बहुत लोग देख रहे हैं। अगर आपको भी मेरा आर्ट देखना है तो आप मेरा इंस्टाग्राम हैंडल पर जाकर देख सकते हैं, मेरा आईडी है सौम्या आर्ट। और अब बारी थी उस सरप्राइज की जो सौम्या ने हम दोनों के लिए बनाया था और जिसे देख हम खुद भावुक हो गए। अच्छा सरप्राइज मिला है आज यार, पहली बार किसी ने हमको इतना बड़ा सरप्राइज दिया और बहुत अच्छा लगा एक्चुअली। प्लीज 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 ये हमारे छोटे से बच्चे के टैलेंट को शेयर करिए। अच्छा सौम्या, सच बताना, इसको बनाने में तुम्हें कितना दिन लगा? सच्ची में मुझे 2 दिन लगा। तो इमेजिन कर, मैं 2 घंटा एक जगह ठीक से बैठ नहीं सकता, भाई ने 2 दिन लगा के बनाया। तो गाइज, अगर एक बंदा इतना डिटेल में इतना मेहनत करके ये सब बना रहा है तो उसके कला को हमें कदर करना चाहिए। दोस्तों, एक्चुअली ये जो टैलेंट है ना, ये हमारे राउरकेला के अंदर है, आधे लोगों को पता भी नहीं है, क्योंकि हम जो देखते हैं ना नेट वगैरह में, वो सब दूसरे प्रदेश के कहां कहां से आते हैं, वो लोग वायरल हो जाते हैं। सेम टैलेंट में अगर हमारा राउरकेला का बंदा है तो हमें उसको तो साथ देना चाहिए। दोस्तों, अभी तक हम लोग सिर्फ सीखा आर्ट को जानते थे, सीखा आर्ट जो कि खुद सौम्या भी उन्हें पसंद करते हैं, उनके काम को सीखा से इंस्पायर हो गए, राइट? 13 साल की उम्र में, और हमने दिखाया आपको शुरू से कैसे कंडीशंस में वो एकदम मतलब एक नॉर्मल से घर में इतना टैलेंट भरा पड़ा होगा, भाई हमें भी उम्मीद नहीं थी। जब हम मिलने आए ना बाहर, हम चौंक गए कि वो जो टैलेंटेड बंदा इसी जगह पे रहता है। हम थोड़ा शॉक हो गए, पर उनका आर्ट रूम देखा ना तब पता चला कि यहाँ पे कला का पूरा एक नमूना भरा पड़ा है। जो भी वीडियोस देख रहे हो ना आप लोग, सिर्फ लाइक कर देते हो, छोड़ के चले जाते हो, कमेंट्स करना ना भूलना, और इस प्यारे से बच्चे के लिए कमेंट जरूर करना और बताना कि आप लोग को उसका आर्ट कैसा लगा। अरे ये जिंदगी में पहली बार है ना किसी ने हमारे लिए इतना मेहनत किया है, हमने भी कभी अपने लिए इतना मेहनत नहीं किया। थैंक यू सौम्या, थैंक यू सो मच यार, हमारा दिन बना दिया तुमने। तो मुझे मेरे आर्ट पर ही विश्वास है, तो मुझे आर्ट पर ही करियर बनाना है, इसके लिए मुझे आप सबका प्यार और आशीर्वाद का जरूरत है। सो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको मेरा आर्ट कैसा लगा। सौम्या जैसे बहुत सारे ऐसे टैलेंट्स राउरकेला में भरे पड़े हैं, मुझे खुशी होगी अगर मुझे मौका मिला उन सबको कवर करने के लिए। अगर आप में कुछ अलग सा ऐसे टैलेंट है स्पेशल, लेट मी नो। और गाइस, तब तक मिलते हैं अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखिए और टाटा बाय बाय।